अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन विद सिद्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही अमेजिंग होगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और बहुत ही ईजी है। मैं आपको आज एलोवेरा हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके हेयर के लिए, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत ही आसान और ईजी रेमेडी है, आप इसको ईजीली घर में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है, ये मेरे पास जो ऑयल है, ये मेरे पास तारा मीरा का ऑयल है, ठीक है। आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो। वैसे तारा मीरा का जो ऑयल है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसको यूज़ करें। और इसके अल्टरनेटिव आप जो है वो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो है वो बेइंतहा बेनिफिट्स हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे बनाएंगे, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके, और नीचे लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आप तक तमाम नोटिफिकेशंस में पहुंच सके। तो एलोवेरा जो है, एलोवेरा के बारे में तो आपको पता ही है, एलोवेरा जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, जैसे कि B1, B2, CA, ये हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हमारे हेयर ग्रोथ को जो है प्रमोट करता है। ये ऑयल अप्लाई करने से हेयर्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं और सिल्की भी हो जाते हैं। ये जो हेयर ऑयल है वो आपके जो ड्राई पैचेस हैं, जो आपकी जो स्किन, आपकी स्कैल्प है, जो उसके जो ड्राई पैचेस हैं उनको ख़त्म करेगा, और आपकी जो हेयर को जो है, और आपकी जो स्कैल्प है उसको मॉइस्चराइज करेगा और आपकी हेयर को ग्रोथ करने में मदद करेगा। इसके अलावा इसकी मदद से आपके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। इसमें क्या क्या यूज़ करना है, सबसे पहले ये मेरे पास तारा मीरा का ऑयल है, आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे बनाएंगे। ये मेरे पास एलोवेरा मैंने एक ले ली है, ठीक है, आपने इसको काटना है और फिर इसमें यूज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने हेयर ऑयल बना लिया है। आपको मैंने तरीका बताया कि आप इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि आप सबसे पहले आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, ठीक है, एलोवेरा को, और फिर इसके बीच में आप हाफ कप जो है वो तारा मीरा का ऑयल डालेंगे, और फिर इसको ब्राउन होने तक आप इसको पकाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये इस तरह का हमारे पास जो है ऑयल आ जाएगा। इसमें आपने ये आपके पास आ जाएगा हेयर ऑयल, ठीक है। इसके बीच में हमने जो है विटामिन ई के जो कैप्सूल है, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, विटामिन ई का कैप्सूल है, ठीक है। इसके बीच में हम जो है विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे, ठीक है। तो हम इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ऑयल, ठीक है, तैयार। आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपने इसको अपने सर को स्कैल्प पे लगाना है, ठीक है। आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है लगा के, ठीक है, एक रात को आप लगाएंगे और अगली सुबह आप इसको वॉश कर लेंगे। आपने लगाना कैसे है, आपने इसको स्कैल्प पे लगाना है, ठीक है, अच्छे से, और अपने बालों की 10 से 15 मिनट आपने इसको मसाज करना है अपने बालों का अच्छे से, और पूरे बालों में आप इसको लगा लें। तो आप इसको जो है सारी रात के लिए इसको लगा रहने दें। उसके बाद आप सुबह उठ के आप अपने जो है ना हेयर्स को वॉश कर लें और अच्छा सा कंडीशनर यूज़ कर लें। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप वीक में इसको 2-3 टाइम यूज़ करें, आपके बाल इतने सिल्की, इतने शाइनी हो जाएंगे कि आप खुद को आपको पता चल जाएगा कि ये रेमेडी कितनी इफेक्टिव है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, आपके बाल इंशाल्लाह लंबे भी होंगे, आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी, आपके बाल शाइनी भी होंगे। ये बहुत ही आसान रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। आज की रेमेडी अगर आपको पसंद आई है तो
मैं इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, के ज़रिए मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।